हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं आज से, फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन करने के लिए हमें क्या आना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम फ्रैक्शन करना चाहते हैं, फ्रैक्शन समझना चाहते हैं, तो फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले नंबर पता होना चाहिए, है ना, कि नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है ना। उसके बाद में फिर हमें फैक्टर पता होना चाहिए, गुणनखंड, है ना, ये क्या होते हैं, मल्टीपल पता होने चाहिए। और उसके बाद में हमें डिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, विभाज्यता, 5 की क्या है, 6 की क्या है, 8 की क्या है, 9 की क्या है ना। तो ये भी हमें जरूर पता होनी चाहिए। और उसके बाद में इन्हें पता करने के बाद हमसे एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए, उसके बाद ही आप फ्रैक्शन की सोचे। अगर आपसे ये सब नहीं आते तो आप इन्हें सीख ले, प्रीवियस वीडियो से इन सब की बनाई गई है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ा रहे हैं। पहले जो चीज पढ़ाई जाती है पहले उसे ही पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगी उसे पढ़ाएंगे, फिर तीसरे नंबर पर, ताकि क्वेश्चनों को समझने में आसानी हो सके। तो ये सब चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको फ्रैक्शन सिखा रहे हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न कैसी होती है? देखिए, भिन्न का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, परिभाषा। भिन्न किसी पूर्ण वस्तु के बराबर भागों को दिखाता है या दर्शाता है, शो करता है। यानी कि फ्रैक्शन जो है वो कोई एक पूर्ण वस्तु है, पूरी वस्तु है, उसके हमने बराबर भाग कर दिए तो उसे शो करेगा उसके कितने भाग हैं। यदि किसी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग भिन्न होगा। जैसे हमने ये वृत्त ले लिया एक, तो हमने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया, जितना ये है इतना ही ये है, दोनों सेम के सेम है, बराबर है। तो ये वृत्त कितना था? एक था, एक वृत्त है हमारे पास, यानी कि गोला है, सर्किल है ना। और इसके भाग कितने हुए? टू। तो यही फ्रैक्शन है, 1/2, यानी कि एक के दो भागों को दर्शा रहा। देखो, हमारी डेफिनेशन ये हुई थी ना, किसी पूर्ण वस्तु के बराबर भागों को दिखाता है। ये हमारा एक सर्किल, पूर्ण गोला है, इसके दो बराबर भाग है, इसे दर्शा रहा। और यहां पे 1/3 है ना। यहाँ देखो, ये एक है, एक सर्किल है, 1 2 3, थ्री इसके पार्ट हो गए, बराबर है, इक्वल है। और ये वन है, 1 2 3 4, फोर पार्ट इसके यहाँ हो गए। जितने भी भाग करते हैं, जितने बराबर भागों में बांटते हैं उन्हें नीचे लिखते हैं। अब यहाँ 1/8, तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। देखिए स्टूडेंट, ये भी एक हमारा सर्किल है, लेकिन ये बराबर भागों में नहीं बटा हुआ है। देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, सब में छोटा ये है, तो सारे अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, एक समान नहीं है, बराबर भाग नहीं है, तो इसलिए इसकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती, इसकी भिन्न नहीं हो सकती। ये सारे इक्वल भाग है, सारे बराबर है, जितना ये है इतना ही है, इतना ही है इतना ही है, जितना ये है इतना ही है, ये भी सारे इक्वल है, 8 के 8। तो ये सब फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तभी होगी जब सारे भाग, जितने भी किसी एक चीज के भाग करेंगे, उसे जितने भागों में बांटेंगे, वे सब बराबर हो। समझ में आ गई बात? तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में आई है ना। तो देखो, फ्रैक्शन के, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो लाइन के ऊपर वाला भाग, एक लाइन के नीचे वाला भाग, है ना। किसी भी फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के नीचे। जो ऊपर वाला भाग होता है इसे तो कहते हैं हम अंश, और जो नीचे वाला भाग होता है इसे कहते हैं हम हर। तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? अंश, यानी कि न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या कहेगा? कहलाएगा हर, यानी कि डेनोमिनेटर। समझ में आ रही बात? तो ऐसे इन्हें कहते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसे पढ़ते कैसे हैं? कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई है तो इसे पढ़ते कैसे हैं?
तीन बटे पांच, कैसे पढ़ते हैं? तीन बटे पांच या थ्री बाई फाइव, थ्री अपॉन फाइव। पहले अंश पढ़ते हैं उसके बाद हर पढ़ते हैं। थ्री अपॉन फाइव, थ्री बाई फाइव या तीन बटे पांच, ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको फ्रैक्शन पढ़ना आ गया होगा कि फ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं। फ्रैक्शन में एक चीज और आती है, ये होल नंबर है, और जो भी फ्रैक्शन होती है वे सब डेसिमल नंबर होते हैं, ध्यान रखें। जो भी फ्रैक्शन होगी अपॉन में लिखी जाएगी वो डेसिमल नंबर होते हैं, है ना। तो चार सही तीन बटे पांच, अगर ऐसा ऐसा कोई संख्या लिख रही है और उसके बीचम बीच एक लाइन ड्रॉ हो रही, रेखा खिंच रही, और ऊपर कोई भी डिजिट लिख रही है और नीचे कोई भी लिख रही, तो हम इसे पढ़ेंगे सही या होल, सही या होल। और इसे पढ़ेंगे अंश, यानी कि न्यूमिनेटर या अंश। इसे पढ़ेंगे हर, यानी कि डेनोमिनेटर। तो स्टूडेंट पांच सही पांच बटे दस, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में देखो आप, फाइव इंटेग्रल फाइव अपॉन टेन या फाइव बाई टेन, ऐसे पढ़ते हैं। तो आज आपको हमने कि फ्रैक्शन क्या होती है ये समझाया, फ्रैक्शन कैसे बनती है ये बताया, और फ्रैक्शन कैसे पढ़ी जाती है ये बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन के प्रकार, काइंड ऑफ फ्रैक्शन, जो बहुत जरूरी है जानने, उनके बिना आप फ्रैक्शन को नहीं निकाल सकते, है ना। काइंड ऑफ फ्रैक्शन बताएंगे और इसकी वो बताएंगे विशेषताएं, इनके प्रॉपर्टीज फ्रैक्शन की, ठीक है। वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।